हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, मोबाइल कंप्यूटिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं मोबाइल फाइल सिस्टम के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि मोबाइल फाइल सिस्टम क्या होता है, क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं, इसका पूरा हम आर्किटेक्चर देखेंगे कि किस तरह से काम करता है, देन सॉल्यूशंस एंड फाइनली द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक कंसिस्टेंसी एंड देन द रीइंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है एंड एग्जाम्स के अंदर नॉर्मली क्वेश्चन इसके ऊपर होता है, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में हो, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में हो, या फिर पूरा एक एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो। सो मोबाइल फाइल सिस्टम बेसिकली है क्या? नाम से पता लग रहा है दैट इट इज़ अ फाइल सिस्टम दैट इज़ डिज़ाइन फॉर मोबाइल एनवायरनमेंट। सो स्पेसिफिकली मोबाइल एनवायरनमेंट के लिए जो फाइल सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है उसको हम बोलते हैं मोबाइल फाइल सिस्टम। अब क्योंकि मोबाइल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज कम होती हैं, लो ऑन रिसोर्सेज होती हैं, इसलिए इस फाइल सिस्टम को सिंपल रखा गया था। सो इट नीड्स टू बी सिंपल, शुड बी एक्सटेंसिबल। ठीक है, एक्सटेंसिबल था कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़े आप इसको एक्सटेंड कर सको इजीली। देन शुड बी एबल टू प्रोसेस डेटा ओवर वायरलेस नेटवर्क, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटिंग की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे आपका मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन होता है वो वायरलेस नेटवर्क के ऊपर होता है, इसलिए डेटा की प्रोसेसिंग वायरलेस नेटवर्क के ऊपर कर पाए, इस तरह से इसका डिजाइनिंग किया गया था। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कैशे मैनेजर। अब कैशे मैनेजर क्या होता है? सो इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स डेट इम्प्लीमेंट्स द कैशे मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर फाइल सिस्टम इन एन इफेक्टिव वे। बेसिकली कैशे क्या करता है? कैशे आपका फाइल्स को स्टोर करके रखता है जो ज़्यादा यूज होती हैं या ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। सो फाइल्स आर स्टोर्ड लोकली बेसिकली फॉर फास्टर एक्सेस। ठीक है, फास्ट एक्सेस के लिए फाइल्स को जब हम लोकली स्टोर करते हैं तो हम उसको स्टोर करते हैं कैशे के अंदर। अब कैशे मैनेजर एक मोबाइल फाइल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट पॉलिसीज होती हैं, किस तरह से हम फाइल्स को इफेक्टिव वे में स्टोर कर सकें। अब मोबाइल फाइल सिस्टम की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम तो आ गई जो मोबाइल एनवायरनमेंट की ही प्रॉब्लम है, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज चाहे आप वो बात करो मेमोरी की टर्म्स में या बात करो प्रोसेसिंग पावर की टर्म्स में, वो सब लिमिटेड होती हैं। देन बैंडविड्थ इज लो एंड प्रोटोकॉल ओवरहेड इज हाई। ठीक है, बैंडविड्थ तो कम होती है यूज़ करने के लिए, वायरलेस नेटवर्क के ऊपर बात कर रहे हैं, बट जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं उसका ओवरहेड ज़्यादा होता है। कोई स्टैंडर्ड पीसी आर्किटेक्चर नहीं है यहाँ पे हमारे पास। देन वायरलेस नेटवर्क एंड मोबाइल कम्युनिकेशन आर नॉट रिलायबल, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट डिस्कनेक्शन के अंदर हो सकती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं मोबाइल फाइल सिस्टम की। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पूरा इसका एक आर्किटेक्चर है हमारे पास, क्या क्या होता है मोबाइल फाइल सिस्टम में। सबसे पहले तो हमारे पास है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, देन यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है बैकग्राउंड प्रोसेसिंग देन इनकमिंग ट्रैफिक। अब बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे होता है कैशे कंसिस्टेंसी। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैशे की कंसिस्टेंसी को मैनेज करते हैं। सो कैशे कंसिस्टेंसी ये हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड प्रोसेसिंग की। उसके बाद है एक्सेस मॉनिटरिंग कि कौन सी फाइल को कौन यूजर एक्सेस कर सकता है, उसका पूरा यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं, एक्सेस मॉनिटरिंग। देन इनकमिंग ट्रैफिक के अंदर हमारे पास है डिमांड फेच, अकॉर्डिंग टू डिमांड किस फाइल की डिमांड हो रही है उस फाइल को फेच करना, डिमांड फेच। देन प्री फेच भी हम करके रखते हैं कुछ फाइल्स को जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, सो दैट जब उसकी डिमांड आए तो हमें दोबारा से सर्वर के पास ना जाना पड़े और हम प्री फेच करके ही उस फाइल को यूज़र को आप प्रोवाइड करा सकें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है आउटगोइंग ट्रैफिक, इसके अंदर हमारे पास है डेटा लॉगिंग, सो यू कैन से इम्पॉर्टेंट डेटा लॉगिंग, जो इम्पॉर्टेंट डेटा है उसके एक्सेस का पूरा लॉग रखना। ठीक है, देन एसिंक राइट बैक, एंड सिंक्रोनाइज राइट बैक। तो ये होता है एसिंक राइट बैक और सिंक राइट बैक। बेसिकली जब आपको डेटा की कोई रेप्लिकेट कॉपी रखनी होती है तो उस केस में हम दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है इंटरफेस, देन वी हैव दिस यू कैन से
मोबाइल फाइल सिस्टम कंप्लीट, जहाँ पे आपका डेटा बेस है बेसिकली, जहाँ पे आपकी फाइल स्टोर है, और उसके थ्रू हमारा सारा यहाँ पे नेटवर्क के द्वारा हमारा सारा फाइल्स का एक्सेस होता है। ओके, नाउ सम ऑफ द सॉल्यूशंस, जो प्रॉब्लम हमने देखी थी उसके क्या क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन तो है डेटा को रेप्लीकेट कर लो, डेटा रेप्लीकेशन। अब इसको करने के तरीके क्या क्या है, कॉपी कर लो डेटा, क्लोनिंग कर लो डेटा का, कैशिंग कर लो। सो बेसिकली अब इसमें एक और पॉइंट आता है जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, और वो होता है होल्डिंग और प्रीफेचिंग। डेटा को होल्ड करके रखना या डेटा को प्रीफेच करके रखना, ये क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है डेटा कलेक्शन इन एडवांस। यूजर के रिक्वेस्ट करने से पहले ही अगर आपने डेटा को कलेक्ट करके रख लिया, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग और प्रीफेचिंग, डेटा कलेक्शन इन एडवांस। देन प्रीफेचिंग जो हम यहां पे देख ही रहे हैं, सो इसका मतलब क्या है, डाउनलोडिंग फाइल्स व्हेन कनेक्टेड बिफोर देयर यूसेज। क्या फाइल को डाउनलोड करके रख लो उसको यूज करने से पहले ही, जैसे आपके पास नेटवर्क का एक्सेस है, इंटरनेट का एक्सेस है, आपने फाइल को डाउनलोड करके रख लिया अपने मोबाइल के अंदर और उसको आप एक्सेस बाद में कर रहे हो। देन कंसिस्टेंसी, इफ देर आर टू कॉपीज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, वन इज अपडेटेड एंड द अदर इज नॉट, देन इट इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी होती है। मतलब क्या, बेसिकली अगर आपके पास एक कॉपी है किसी फाइल की, लेट अस से कॉपी नंबर वन, एंड एक और कॉपी आपके पास कॉपी नंबर टू, और ये इसकी एक मेन कॉपी है जो कि सर्वर के ऊपर है बेसिकली। अब अगर ये वाली कॉपी किसी यूजर ने अपडेट कर दी और ये वाली कॉपी अगर अपडेट नहीं हुई, तो ये क्या होगा बेसिकली, इससे आपका इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो इस तरह से ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन अब हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी। दो बेसिक डिफरेंट टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी है, स्ट्रांग एंड वीक कंसिस्टेंसी। स्ट्रांग में होता है परमानेंट कंसिस्टेंट व्यू, ठीक है। सो परमानेंट कंसिस्टेंट व्यू होता है, इट यूजेस द एटॉमिक अपडेट्स, या तो अपडेट आपका कंप्लीट होगा या फिर कंप्लीट नहीं होगा। इसमें हम लॉक्स को यूज करते हैं, एक्सपेंसिव है इसको करना, एंड डजेंट वर्क फॉर डिसकनेक्टेड सिस्टम्स। डिसकनेक्टेड सिस्टम्स के लिए स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी काम नहीं करती। इसको आप कह सकते हो कि जब आप डेटाबेस की बात करते हो, जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हो, तो वहां पर हम स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी को यूज कर सकते हैं, बट मोबाइल फाइल सिस्टम के अंदर हम इसको यूज करना एक्सपेंसिव भी है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अब हम बात करेंगे वीक कंसिस्टेंसी की। वीक कंसिस्टेंसी क्या होता है कि सर्टेन लेवल ऑफ इनकंसिस्टेंसीज को हम टॉलरेट करते हैं। सो यूजेस सर्टेन लेवल ऑफ इनकंसिस्टेंसीज दैट हैज टू बी टॉलरेटेड एंड डेटा इज रीइंटीग्रेटेड, ठीक है, डेटा इज रीइंटीग्रेटेड। सो बेसिकली यहां पे क्या है, बेसिकली इसको आप कह सकते हो, इट वर्क्स वेल विद द डिस्कनेक्टेड सिस्टम्स, वर्क्स वेल विद द डिस्कनेक्टेड सिस्टम्स, क्योंकि यहां पे हम कुछ लेवल ऑफ इनकंसिस्टेंसी को अलाउ कर देते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी एंड वीक कंसिस्टेंसी। अब यहां पे हमने बात करी डेटा की रीइंटीग्रेशन की। सो डेटा रीइंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ माइग्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स रिजल्टेड इन वन कंसिस्टेंट फाइल सिस्टम, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ मर्जिंग ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करना फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स रिजल्ट इन वन कंसिस्टेंट फाइल सिस्टम, क्लियर। सो जैसे कि अगर आप बात करते हो कि आपके पास, लेट अस से हमारे पास सर्वर पे एक फाइल की कॉपी है यहाँ पे, सो दिस इज अ सर्वर, और यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है उसकी कॉपी है सपोज। अब इस फाइल को कई सारे यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, लेट अस से यूजर वन, और हम दो यूजर्स ले लेते हैं यूजर टू, और ये दोनों ही इस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, इस फाइल को कुछ कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं। सो लेट अस से इसने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया, और ऐसे ही इस यूजर ने भी इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब आप फाइल को एक्सेस करते हो, डायरेक्टली हम सर्वर के ऊपर ही हम काम करते हैं, क्योंकि मोबाइल फाइल सिस्टम के अंदर हम सर्वर पे फाइल है, वहीं पे हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। बट अब क्या हुआ कि इसने सपोज इस फाइल को प्रीफेच करके रखा था, इसने भी इस फाइल को प्रीफेच करके रखा था, अब यहाँ पे डिस्कनेक्शन हो गया। डिस्कनेक्शन का मतलब क्या है कि अब ये जो दोनों हैं ये डायरेक्टली सर्वर के ऊपर अपडेट नहीं कर सकते, सो डिस्कनेक्शन हो गया। बट इन्होंने इस फाइल को अपडेट करके इसकी कॉपी बना के रख ली, सो यू कैन से अपडेटेड फाइल। एक इन्होंने फाइल को अपडेट करके अपने लोकल सिस्टम के अंदर रख लिया, ऐसे इसने भी इस फाइल को अपडेट करके अपने लोकल सिस्टम के अंदर रख लिया,
सो जैसे ही अब दोबारा से कनेक्शन मिलेगा, जैसे ही कनेक्शन मिलेगा, ये इस फाइल को यहां पे सर्वर के ऊपर अपडेट कर देंगे. सो व्हेन कनेक्टेड, इसी वे में, सेम इसी वे में जब इसको कनेक्शन मिलेगा तो ये भी अपनी फाइल के अपडेट को यहां पे सर्वर के ऊपर भेज देगा. तो अब सर्वर के ऊपर क्या हुआ, बेसिकली दो डिफरेंट अपडेटेड फाइल आई. एक आई आपकी सपोज ये अपडेट फाइल, और एक और आपके पास अपडेट फाइल आई यूजर वन से. अब रीइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इन दोनों को मर्ज करना. सो यहां पे अब क्या होगा, यहां पे इन दोनों को मर्ज करके एक कंसिस्टेंट फाइल बनाई जाएगी. सो कंसिस्टेंट अपडेट फाइल. सो दिस इज डेटा रीइंटीग्रेशन. तो ये जो पूरा प्रोसेस है यहां पे जो हुआ, दैट इज मर्जिंग. ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ मोबाइल फाइल सिस्टम. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल फाइल सिस्टम. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स इन मोबाइल कंप्यूटिंग. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव मोर सच वीडियोज नोटिफिकेशन. थैंक यू.